हे गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताया था कि मैं शहडोल से अपने घर तक जाऊंगा, तो उसका पूरा ब्लॉग बनाऊंगा, पहले किसी वीडियो में बोल दिया था। तो गाइस, फाइनली वो वेट कपल यानी वेट कपल में समाप्त होता है एंड वीडियो आ चुकी है। तो गाइस, ब्लॉग में बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नी शहडोल से। सो गाइस, मैं निकल पड़ता हूँ अपना लेवल 3 का बैग रख के, उसके साथ साथ वेस्ट एंड शूज़। यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी थी तो सोचा कि रील्स बना लेता हूँ, एंड झोला भी रखा था यार, बहुत ज़्यादा धूप लग रहा था। फिर आगे जाता हूँ तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, तो दूसरे रास्ते से फिर मैं जाता हूँ। दिन इसके बाद पहुँचते हैं हम फाटक के जस्ट आगे वाले रास्ते पर, और यहाँ पर भी हुई हल्का हल्का धूप लग रहा था। आगे जाते हैं तो 3 इडियट्स मिलते हैं जो कि जा रहे होते हैं, एंड वैसे भी यार मेरे को बहुत जल्दी ही जाना था क्योंकि मैं नीलिस के चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। सो गाइस, देख सकते हो मैं बहुत दिक्कत के बाद यहाँ पहुँचा हूँ। जाऊँगा जल्दी से, टिकट कटाऊँगा, फिर इसके बाद आराम से बैठूँगा। टिकट कटाने के बाद सोच रहा था कि जल्दी से उस प्लेटफॉर्म पर चले जाऊँ, इतना ज़्यादा धूप में चलने के बाद और प्यास फील बढ़ गई थी यार, थ्रेस्ट लगा था। फिर दिन इसके बाद यहाँ छोटी सी प्याऊ होती है जो निशुल्क है, पानी वानी पीते हैं प्याऊ पे, फिर चल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमारी रेल खड़ी हुई है, एंड जाता हूँ मैं जल्दी से। फिर सोच रहा था कि कहाँ बैठूँ, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था, ये वही ट्रेन है जो कि आगे जाएगी या फिर पहले से कहीं और जाना है इसको, तो कुछ नहीं, बस यही एक भैया से पूछता हूँ और फिर इसके बाद बैठ जाता हूँ। हे एवरीवन, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ अपने घर, यानी कि मेरे गाँव का नाम है प्यारी। वैसे बहुत लोग जानते होंगे और बहुत लोग नहीं जानते, इसलिए बता दे रहा हूँ पहले से। तो आई एम गोइंग टू प्यारी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो इवेंचुअली गाइस, बहुत टाइम तक सफ़र करने के बाद मैं अनूपपुर पहुंचता हूं, एंड दिस इज़ द स्टेशन ऑफ अनूपपुर। और एक बात, अनूपपुर हम लोग का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और हम लोग तो फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं शहडोल डिस्ट्रिक्ट। A few moments later. So finally guys, बहुत लंबे सफ़र के बाद मैं अपने स्टेशन पहुँच ही जाता हूँ जो कि हम लोग का कोतमा रेलवे स्टेशन। यहाँ से हम लोग का गांव बहुत पास पड़ता है, दैट्स वाई हम लोग यहीं पर उतरते हैं। गाइस, इसके बाद मैं ओवरब्रिज पे चढ़ता हूँ, देन इसके बाद थोड़ा देखता हूँ लोकेशन। एंड गाइस, आप सामने देख पा रहे हो वो मेरा स्कूल था जो कि एक्सीलेंस है, एंड 10th 12th मेरा यहीं से निकला है। ओ यार, ये लोकेशन देख के मेरी यादें ताज़ा हो गई, कभी यहीं पढ़ाई करते थे हम लोग।
रेलवे स्टेशन पे नहीं यार, स्कूल पे पढ़ाई करते थे। फिर चल पड़ता हूँ, वैसे भी मेरे को लिफ्ट लेने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही क्या बताया जाए, अति मुझे लिफ्ट लेना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए यहाँ पानी पीने के बाद मैं किसी से लिफ्ट मांगने का वेट करता हूँ, एंड फाइनली एक सज्जन पुरुष मिलता है जो कि मुझे लिफ्ट देता है। गाइस दिस इज़ द भालूमारा, एंड भालूमारा एक नगर पालिका है देखा जाए तो। वैसे पता नहीं अचानक से बारिश होने लगती है यार, और हम लोग भीग भी जाते हैं, बट वेट करते हैं कुछ टाइम तक, बारिश के रुकने के बाद हम लोग फिर से चल पड़ते हैं अपने घर की ओर। फाइनली गाइस मैं अपने गांव पहुंच चुका हूँ, एंड बहुत दिक्कत हुई क्योंकि बस नहीं चलती है, बस चलती है बट इस टाइम पर नहीं चलती है, एंड दिस इज़ द वे ऑफ माई विलेज, एंड मैं उस टाइम बाद इंटर कर जाऊँगा, उस टाइम बाद इंटर कर जाऊँगा अपने गांव के साइड। कभी कभी तो मुझे डाउट होता है कि ये लोग मेरे ही गांव के हैं, क्योंकि मुझे देख के लिफ्ट भी नहीं दे रहे आप, बड़ी बेशर्मों वाली काम है, तुम लोग गांव में रहने के लायक नहीं हो, निकल जाओ सर। तो गाइस कैसा लगा मेरे गाँव तक का सफ़र, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर। गाइस आपका और मेरा सफ़र यही तक था, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल गाइस।